नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईएस एग्जाम स्टडी के डेली करंट अफेयर वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राफेल नडाल ने हाल ही में किस स्पर्धा में जीत दर्ज करने अपने कैरियर का 85वां एकल टेनिस खिताब जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिकन ओपन। नेक्स्ट, वर्ष 2020 में विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? विश्व उत्पादकता कांग्रेस का आयोजन भारत में किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु राजस्थान से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है? ऑप्शन ए, मातृवंदना योजना। ऑप्शन बी, सुपोषित माँ अभियान। ऑप्शन सी, जननी सुरक्षा योजना। ऑप्शन डी, स्वस्थ माँ अभियान। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुपोषित माँ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल ने किस स्टेशन पर रेल यात्रियों और आम लोगों के लिए अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आसनसोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहिद्दीन यासिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया? शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 मार्च। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जयंती मनाई जाती है? मोरारजी देसाई की जयंती 29 फरवरी को मनाई जाती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 29 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस की वजह से किस देश में होने वाले अजलान शाह कप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट को रद्द करके अप्रैल की जगह अब सितंबर में करने का फैसला किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मलेशिया। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बिना हाइजीन रेटिंग वाले फूड बिजनेस ऑपरेटर के ऑनलाइन भोजन डिलीवरी पर रोक लगाने का निर्देश जारी किया है? पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट, किस भाषा के लेखक रिचर्ड जॉन पेस का हाल ही में निधन हो गया है? रिचर्ड जॉन पेस कोंकणी भाषा से संबंधित थे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोंकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने 5 मार्च को किस स्पेस सेंटर से जियो इमेजिंग सैटेलाइट यानी GSAT-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च को विश्वभर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 3 मार्च को विश्वभर में विश्व जन वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विमान से उड़ान के दौरान वाईफाई के माध्यम से इंटरनेट सेवाओं के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सुनील शर्मा ने कितने किलोमीटर के स्टेडियम रन में नया रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 100 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह खुल्लर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 77 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस द्वारा हाल ही में महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए विश्व शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है? विश्व शून्य भेदभाव दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया। इसका आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की आयातुल्ला अली खुमेनी के सलाहकार मोहम्मद मिर मोहम्मदी को की कोरोना वायरस से मौत हो गई है? इसका आंसर है ऑप्शन सी ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यल क्लासिको में विनीसियस जूनियर किस खिलाड़ी का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए लियोनेल मेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पुरुष हॉकी स्वर्ण जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी बेंगलोर सेंट्रल विश्वविद्यालय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।